सेंट जोसेफ महिला महाविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग द्वारा कैंप फैक्ट नामक पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन कॉलेज परिसर में किया गया, जिसमें कॉलेज की छात्राओं ने पोस्टर प्रदर्शनी के माध्यम से दिनचर्या में प्रयोग होने वाले वस्तुओं में केमिकल की उपयोगिता और नुकसान के संबंध में लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर गोरखपुर विश्वविद्यालय रसायन विभाग के डॉक्टर ए के श्रीवास्तव, डॉक्टर पी डी सुभाष, डॉक्टर शिल्पी श्रीवास्तव सहित अन्य शिक्षक और छात्राएं मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर शिल्पी श्रीवास्तव और डॉक्टर ए के श्रीवास्तव ने कहा, अगर आप ये क्लेम करें कि आपको सपने नहीं आ रहे तो भी आप गलत है, क्योंकि एवरेज निकाला गया जिसमें आप 2 घंटे रात के सपने देखेंगे दैट्स द फैक्ट। एंड कौन सा केमिकल वर्क करेगा सर? अरे नो, एसिटोफिलाइन एंड मेटाक्लोनिन, बेसिकली मेलाटोनिन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लीप हार्मोन, इट्स ऑल्सो नोन एज स्लीप हार्मोन एंड इट्स बेसिकली रिलीज व्हेन नाइट इज देयर एंड डे में एट डे टाइम इट इज रिलीज इन लेस अमाउंट, दैट्स व्हाई वी आर इन अ स्लीपी मोड एट नाइट एंड इट्स द ब्लू रेज यूज टू अफेक्ट मेलाटोनिन इन अ नेगेटिव वे, दैट इज दैट मतलब इट अपोजेस द मेलाटोनिन, दैट्स व्हाई एंड ब्लू रेज आर एमिटेड फ्रॉम द फोन एंड द लैपटॉप, दैट्स व्हाई इट इज सेड नॉट टू यूज फोन और लैपटॉप एट नाइट एंड ऑल्सो then firstly ma'am acetylcholine this is responsible for positive negative good dreaming dopamine for the yes question is what is good is a chemical element with symbol eo from latin atero and at number 7 dekho jab hoga to lekho topic is very interesting decorative especially this composition of important as it is useful in our daily life. The morning, obviously we know we start our morning with toothpaste, everyone knows that, and I guess this is the most interesting topic and it's really beneficial for everyone as we are not aware about the facts about toothpaste. So coming on to the next one, this one is chemistry facts and it's really very interesting. It is mentioned about DNA. DNA is flame retardant. Obviously this is a very enthusiastic topic. It's a fiber pollution. It is the most social topic and obviously ChemFact is organized for as an awareness program in our college, and pollution is a really a very important topic because the most of the in fact I would say crackers and fireworks, these are really very harmful for the harmful for the environment, and is obviously maximum use of these things have make our environment so harmful, and many other facts too are involved in this. डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी में मेनली फोकस किया गया है एनवायरनमेंट पे, पॉल्यूशन पे, या मेडिसिनल प्लांट्स का जो आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि मेडिसिनल प्लांट्स इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसके पीछे फैक्ट क्या है ये स्टूडेंट्स ने यहाँ पे खोजा है, बताया है और एक जनरल अवेयरनेस लाया है कि किस तरीके से प्लांट्स जैसे तुलसी है, नीम है या एलोवेरा है इस्तेमाल बहुत करते हैं, लेकिन पता नहीं इसके पीछे का केमिकल फैक्ट क्या है। तो ये फैक्ट इन्होंने जाना है और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में केमिस्ट्री डेली लाइफ में आप इस्तेमाल करते हैं, कहते केमिस्ट्री केवल केमिकल रिएक्शंस है, बट इट इज़ नॉट अ केमिकल रिएक्शन। आपको पता होना चाहिए कि पूरी लाइफ में आप सुबह आँख खोलने से लेकर रात की आँख बंद करने तक टोटल केमिस्ट्री है आपकी। आप सुबह आँख खोलते हैं, वॉशरूम जाते हैं, टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं या कपड़े पहनते हैं, सब कुछ केमिस्ट्री है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों के स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छा ये प्रदर्शनी ऑर्गेनाइज़ किया। इसमें बताया कि डेली लाइफ में आप क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं और उसकी क्या केमिकल यूजेज़ हैं, किस तरीके से आप उसकी केमिस्ट्री को एक लेमैन को समझा सकते हैं कि आप ये जानिए कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री केवल केमिकल रिएक्शंस नहीं है, आप डेली लाइफ में हर चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसका क्या केमिकल इफेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट आपके ऊपर आता है।
आप पॉजिटिव जानते हैं, नेगेटिव नहीं जानते, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स आज इतनी अच्छे से इसको बताए हैं कि क्या नेगेटिव इफेक्ट्स है, ये भी अब जानिए कि कोई चीज़ इस्तेमाल कर दो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं, आपकी बॉडी पर किस तरह इफेक्ट कर रहा है, किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं आपकी बॉडी में, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, एंजाइम्स हैं, लिपिड्स हैं, हार्मोन्स हैं, विटामिन हैं, सब आप जानते हैं, लेकिन उसका किस तरीके से बॉडी पर इफेक्ट हो रहा है, कहाँ से आपको हार्मोन्स मिल रहे हैं, कहाँ से विटामिन मिल रहे हैं, किस तरीके से एक लेमैन को समझाया सकता है कि हाँ केमिस्ट्री क्या है। तो इस चीज़ को लेकर के हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छा वर्क किया है और उन्हें बहुत मेहनत की है। आई रियली अप्रिशिएट ऑल द स्टूडेंट्स फॉर दिस। इनका जो आज का ये केम फैक्ट का लगाया है बच्चों ने, लगभग 100 हैं, कितने हैं, 108 हॉस्टल्स हैं, सब ने बहुत मेहनत किया है, बहुत अच्छा एफर्ट सबका। अब वो तो हम बाद में जज करेंगे, फर्स्ट सेकेंड रैंक इसके तो अच्छा दिखता है कि वो रैंक देना है इनके, लेकिन हर एक का एफर्ट बहुत अच्छा है, प्रयास बहुत किया है, इनके टीचर्स ने बहुत मेहनत किया है। प्रबंध तंत्र को भी मैं कहूँगा कि उन्होंने इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉलेज में करते हैं, शहर का सबसे अच्छा, आई थिंक सबसे अच्छा ये महाविद्यालय होगा महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, ओवरऑल बहुत अच्छा था। प्रदर्शनी माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? प्रदर्शनी माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि इनके प्रेजेंटेशन आता है, इनको पोस्टर बनाना सीख गए, ये कुछ पावर पॉइंट या कुछ डाउनलोड करना और उसको ये एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने केमिस्ट्री को लेकर के, और आम जीवन में जो उपयोग होती है वस्तु उसमें केमिस्ट्री का काफ़ी प्रयोग, सब कुछ बताया कि जैसे हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं सुबह उठकर, उसका क्या रोल है, कौन कौन से केमिकल लिया है, कौन से केमिकल्स में हार्मफुल है, कौन से बेनिफिशियल हैं, पेंट्स लिया इन्होंने, बहुत सारे ड्रग्स बनाया, नैनो मेडिसिन बनाए हैं आजकल, उसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है नैनो मेडिसिन के, और नेचुरल थिंग वो प्लांट्स का बहुत ज़्यादा होता है, तुलसी है, नीम है, हल्दी है, एल्कलाइड्स वो जो हमारे हैं टर्फिनाइड्स, उनके बारे में बताया। तो ओवरऑल बहुत अच्छा था इन बच्चों का प्रयास और सब कुछ बहुत अच्छा है।